आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत रत्न की ये सीरीज चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े स्कॉलर, प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एंड लॉयर, पांडुरंग वमन काने की, पीवी काने। इनको भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। क्या किया इन्होंने आज हम देखेंगे। बहुत लोग इनको नहीं जानते होंगे, तो जब आप इनको नहीं जानेंगे तो इनकी लाइफ को नहीं जानेंगे। हम इनकी लाइफ को देखेंगे, इनका करियर देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में डूबे रहे दोस्तों, मैग्नम ओपस इन्होंने अपना पब्लिश किया। एक ऐसी चीज, एक ऐसी लिखावट, क्रांति ले आया वो। क्या था हम देखेंगे इस लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टूडेंट इसको रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह परीक्षा की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों, ये लिस्ट है, मैं कई बार दिखा चुका हूं। ये पांचवा लेक्चर है भारत रत्न सीरीज का। अब तक आपको याद ही हो गया होगा, स्टैटिक जीके में ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2019 के अवॉर्डीज की बात करें तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को ये अवार्ड मिल चुका है। तो हम इनकी बायोग्राफी देखेंगे, लेकिन हम क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो सबसे पहले जिनको मिला उनसे फिर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोग्राफी मैं कवर कर चुका हूं, अवेलेबल है दो पार्ट में, आप देख लीजिएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय की बायोग्राफी मैंने नहीं कवर की है। सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर सी एन आर राव की बायोग्राफी भी नहीं कवर की है। उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी, बिस्मिल्ला खान, लता मंगेशकर, रविशंकर और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली की बायोग्राफी मैंने नहीं कवर की है, बहुत जल्द कवर करूंगा जब हम इन पे आएंगे। उसके बाद अमर्त्य सेन और जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी मैंने कवर की है। चिदंबरम सुब्रमण्यम और एम एस सुब्बलक्ष्मी की बायोग्राफी नहीं कवर की है। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी कवर है। गुलजारी लाल नंदा की बायोग्राफी कवर है। अरुणा आसफ अली की बायोग्राफी नहीं कवर की है। सत्यजीत रे की और जीआरडी टाटा की बायोग्राफी नहीं कवर की है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बायोग्राफी नहीं कवर की है। 1991 में जिन जिनको भारत रत्न मिला है सबकी बायोग्राफी कवर्ड है दोस्तों, लेक्चर भी अवेलेबल है, देख लीजिएगा। मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी, नेल्सन मंडेला और बी आर अम्बेडकर की बायोग्राफी कवर्ड है। एम जी रामचंद्रन की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है। खान अब्दुल गफ्फार खान की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है। आचार्य विनोबा भावे की बायोग्राफी कवर्ड है। मदर टेरेसा, कामराज, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी कवर्ड है। वीवी गिरी की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है। पीवी काने की बायोग्राफी हम इसमें कर रहे हैं। उसके बाद जाकिर हुसैन की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है। राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी कवर्ड है। पीडी टंडन और बीसी राय की बायोग्राफी मैंने अभी कवर की थी। ढोंडू केशव कड़वे की बायोग्राफी कवर्ड है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बायोग्राफी कवर्ड है। जवाहरलाल नेहरू, विश्वरैया भगवान दास की बायोग्राफी कवर्ड है। सीवी रमन, एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी की बायोग्राफी कवर्ड है। तो अगर हम पीवी काने की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म 7 मई 1880 में हुआ था और ये इंडोलॉजिस्ट है। इंडोलॉजिस्ट कौन होते हैं भैया? जो भारत की स्टडी करते हैं, भारत के कल्चर, भारत के ट्रेडिशन की स्टडी करते हैं, तो वो होते हैं इंडोलॉजिस्ट। और संस्कृत स्कॉलर और लॉयर भी थे ये, ठीक है ना। इनको भारत रत्न दिया गया था दोस्तों 1963 में। क्यों दिया गया था दोस्तों? इन्होंने धर्मशास्त्र लिखा था। धर्मशास्त्र 6500 पेज की हिस्ट्री है दोस्तों, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी लिखावट। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो काफी समय लगेगा। इन्होंने धर्मशास्त्र लिखा था जो कि 5 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। सबसे पहला वॉल्यूम 1930 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। तो धर्मशास्त्र एक बहुत बड़ी लिखावट है, ये बहुत बड़ी किताब है। इसमें भारत का वैदिक इतिहास पूरा समझाया गया है, वैदिक इतिहास समझाया गया है, कॉस्मोलॉजी समझाई गई है, कर्म के लॉज समझाए गए हैं और ये बताया है कि किस तरीके से ये रिलेटेड है साइंस से। एक तरीके से कंपैरिजन दिया है साइंस के पर्सपेक्टिव से और धर्म के पर्सपेक्टिव से भी बताया गया है दोस्तों। सब कुछ बताया गया है, अंत्येष्टि कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है, पाप का क्या इफेक्ट होता है, जो आप खराब चीजें करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, और जो हमारा पूरा वैदिक इतिहास है वो बताया गया है। तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन इंसान समझा सकता है जिसको पूरी नॉलेज हो, बहुत बड़ा ज्ञान हो, वरना और तो कोई नहीं समझा सकता ये। तो दोस्तों, इनको वेदों का बहुत ज्ञान था दोस्तों। इन्होंने महाभारत 8 से 9 बार पढ़ी थी दोस्तों। महाभारत जो कि सबसे बड़ा ग्रंथ है वो 8 से 9 बार इन्होंने पढ़ी थी। बचपन से ही इन्होंने 8-10 साल में इन्होंने
संस्कृत के श्लोकों को बोलना सीख लिया था, 500 से 600 श्लोक इनको ऐसे ही याद थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है दोस्तों, भारत के इतिहास में इन्होंने भारत के इतिहास को पूरा खोल के रख दिया। और ये जो धर्मशास्त्र है ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है, और अगर हमको भारत के इतिहास को स्पेशली वैदिक इतिहास को समझना है तो धर्मशास्त्र से ही हम रेफरेंस लेते हैं। 40 साल इन्होंने काम किया था दोस्तों, 40 साल 1930 से लेकर 1970 तक ये पूरा काम चला था, तब जाके धर्मशास्त्र को पब्लिश किया जा सका था। इसमें सब कुछ है, तो हम धर्मशास्त्र के बारे में भी इस लेक्चर में जानेंगे। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो 7 मई 1880 में परशरामा चिपलून के पास, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आपको बता दूं कि काफी बड़ा परिवार था, 9 बच्चे थे, ठीक है, और 6 जिसमें से भाई और 3 बहनें, और ये जो थे बेटों में सबसे बड़े थे, हालांकि एक बहन इनसे बड़ी थी, तो ये दूसरे बड़े थे। आपको बता दूं कि इनके पिताजी भी बहुत बड़े प्रीस्ट थे, इनके पिताजी भी एक पंडित परिवार से ताल्लुक रखते थे। वैसे तो इनकी ब्राह्मणी फैमिली थी, ये ब्राह्मणी थे, एक पंडित परिवार से ताल्लुक रखते थे। अब यहाँ पे हालांकि इनके पिताजी चले गए अंग्रेजी सीखने, बाद में जब 18 साल के हुए तो इनके पिताजी को पूरा ज्ञान हो गया था, पंडिताई का जो ज्ञान होता है वो इनको पूरा ज्ञान हो गया था, संस्कृत को, वो भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। लेकिन 18 साल की उम्र में वो चले गए पूना। क्यों चले गए? क्योंकि उनको इंग्लिश सीखनी थी, इंग्लिश सीखने के लिए वो पूना चले गए, और इनके पिताजी ने उपनिषद वेदों सबकी पढ़ाई की, ठीक है, लॉयर एज अ लॉयर भी प्रैक्टिस किए वो, क्योंकि इनके पिताजी लॉयर भी थे, लॉ की डिग्री भी ली। और सेम चीज पीवी काने ने भी की, पिताजी ने इनको बहुत गाइड किया। 1925 में हालांकि इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो आप समझ ही गए होंगे अगर फैमिली इतनी पढ़ी लिखी है, पिताजी संस्कृत में ज्ञाता है, तो जाहिर सी बात है जो पिताजी ने सीखा है वही तो इनको सिखाएंगे ना दोस्तों। बहुत छोटे से ही इनके पिताजी ने इनको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी, भैया ये एस्ट्रोलॉजर हो गए थे, हाथों की रेखा देख के बता देते थे कि कहां पे किसका क्या होना है, ठीक है ना, पूरी जिंदगी कैसी होनी है। उसके बाद अमर कौश के 400 वर्सेस जो संस्कृत में थे वो इनको बाय हर्ट याद हो गए थे, और भी बहुत सारी चीजें। जब तक दोस्तों ये 10 साल के हुए, 10 से 12 साल के, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लिया था। इन्होंने महाभारत 3 बार पढ़ ली थी, और जितना भी इनको संस्कृत का मटेरियल मिलता था बस उसमें पढ़ते रहते थे, ठीक है, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, सब कुछ हो गया था। आपको बता दो कि इन्होंने जितने भी एग्जाम दिए सब में इनकी पहली रैंक आई, ठीक है, और हर जगह इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दिखने में दोस्तों ये बहुत ही पतले दुबले थे, जब ये 21 साल के थे, आपको पता है इनकी हाइट 5 फिट 4 इंच थी, इनका वजन मात्र 44 किलो था, 49 किलो था बस, इतने पतले दुबले थे, लेकिन उसके बावजूद पढ़ने में बहुत अच्छे थे। दोस्तों ज्ञान ही मैटर करता है, लुक्स मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, कभी भी अपने लुक्स को देख के ये मत सोचिए कौन क्या कहेगा कौन। जब आपके पास नॉलेज होती है तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप ही बदल जाती है, ठीक है, तो ऑलवेज गो फॉर नॉलेज। उसके बाद दोस्तों इनको पढ़ाई करनी थी, डेफिनेटली इनको पढ़ाई करनी है, तो जो इनकी शुरू की पढ़ाई हुई दोस्तों वो पीजी मिशन इंग्लिश हाई स्कूल में हुई, जो कि दापोली में ही हुई। उसके बाद इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक एग्जाम को पास किया। अब उसके बाद जब इन्होंने ये एग्जाम दिया तो सबसे ऊपर इनकी रैंक थी, इन्होंने टॉप किया था उस एग्जाम को। हायर स्टडीज के लिए इनको बाहर जाना था, डेफिनेटली बाहर जाना था, लेकिन दोस्तों उस समय प्लेग फैला हुआ था, ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की सोच रहे थे, बॉम्बे या फिर पूना में, ठीक है, लेकिन उस समय दोस्तों प्लेग फैला हुआ था, ब्यूबोनिक प्लेग और महामारी फैली हुई थी। तो इनके पिताजी ने बोला कि अभी तुम वहां पे मत जाओ, अभी तुम वहां पे पढ़ाई मत करो, तुमको लॉ पढ़ना है तो मेरे ही अंदर लॉ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे इन्होंने लॉ पढ़ना शुरू किया, हालांकि 2 हफ्ते तक इन्होंने अपने पिताजी से लॉ पढ़ा। उसके बाद जो इनको लगा कि शायद मुझे पढ़ने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा, तो इन्होंने पत्र लिखा था, इन्होंने वहां के उस समय के जो प्रिंसिपल थे, विल्सन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको पत्र लिखा था कि मैं जो है पहला साल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि महामारी फैली हुई है तो मेरे लिए मुश्किल होगा, तो पहले साल को मैं शायद मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा, हालांकि मैं घर में ही बैठ के जो भी कोर्सेज है वो सब पढ़ लूंगा।
तो उनके प्रिंसिपल ने रिप्लाई किया कि 36 रुपए भेज दो, रजिस्टर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जब महामारी कम हो तब यहां पे आके पढ़ लेना। तो इन्होंने सेकेंड ईयर में कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया था। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ गए होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि उस समय जो इनकी उम्र थी वो 16 साल की थी, और 16 साल की उम्र में इनको बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। इनको हाइपर एसिडिटी हो गया था, इनको स्टमक पेन्स होता था, और इनको उल्टियां भी आती थी। तो हेल्थ के मामले में ये बहुत अच्छे नहीं थे। उसके बाद आपको बता दूं कि इन्होंने फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ना शुरू किया, और यहाँ पे इनको स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप इसलिए मिली क्योंकि उस समय संस्कृत जो थी इनकी सेकेंड लैंग्वेज थी, क्योंकि संस्कृत को सब कुछ इनको, मतलब हर चीज जो है, मतलब संस्कृत में पूरे ज्ञाता थे, तो संस्कृत इनकी सेकेंड लैंग्वेज थी। वहां पे जो संस्कृत को ऑप्ट करता था उनको स्कॉलरशिप, उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती थी, ठीक है ना। और आपको एक और चीज बता दूं, इन्होंने उस समय जो एग्जाम दिया था उसमें भी ये पहले आए थे, तो इनको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे। ये जो रुपए थे ना, बहुत ही उस समय बड़ी रकम होती थी, ठीक है ना, क्योंकि करेंसी की वैल्यू बहुत कम थी, इंडियन रुपी जो है वो बहुत ही कम वैल्यू पे था ना, ठीक है। तो ये चीज है। फिर इन्होंने बीए का एग्जाम दिया 1901 में, ठीक है, और जब बीए का एग्जाम दिया तो यहां पे भी इन्होंने टॉप किया, संस्कृत में टॉप किया, ठीक है। जितने लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें पहले आई है, फिर यहां पे इनको मेडल मिला, इनको स्कॉलरशिप मिली, बहुत जिस जो एग्जाम इन्होंने दिया था सब में इन्होंने टॉप किया, ठीक है। अब बीए एग्जाम के बाद इनको दक्षिणा फेलोशिप मिली, ठीक है ना, दक्षिणा फेलोशिप मिली 2 साल के लिए, और उसके बाद ये फिर विल्सन कॉलेज में ही पढ़ाने लगे। वहां पे ये संस्कृति पढ़ाते थे, हफ्ते में 3 घंटा जो है वो लेक्चर लेते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये लॉ कर रहे थे, 1902 में इन्होंने एलएलबी एग्जाम को पास किया। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि संस्कृत और लॉ दोनों पैरेलली पढ़ा रहे थे, ये एज अ लॉयर भी प्रैक्टिस कर रहे थे, एट द सेम टाइम ये संस्कृत के प्रोफेसर भी थे, ठीक है। तो इन्होंने पहला एलएलबी एग्जाम फर्स्ट क्लास से पास किया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने 1903 में एमए का भी एग्जाम दिया, ठीक है, और फिर इनको इसमें भी इन्होंने टॉप किया, और इनको वेदांत प्राइज मिला जिसमें 400 रुपए की स्कॉलरशिप थी, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों क्या था कि इनके पिताजी बोल रहे थे कि एक काम करो, क्योंकि उस समय तक इनके पिताजी बोल रहे थे कि बेटा जल्द से जल्द नौकरी करो, भैया 9 भाई बहन है, फिर उसके बाद इनके पिताजी की भी हेल्थ जो है वो डाउन हो रही थी, पिताजी की भी नौकरी भी नहीं थी, तो जो जिम्मेदारी थी वो इन्हीं के ऊपर आ गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास वैसे 2 ऑप्शन थे, ठीक है, या तो इनके पास दोनों की डिग्री थी, संस्कृत में भी ज्ञाता थे और लॉ की भी डिग्री थी, तो या तो ये लॉयर बन जाए या फिर ये स्कूल में जाके पढ़ाने लगे। तो इन्होंने स्कूल में जाके पढ़ाना ज्यादा मुनासिब समझा। उसके बाद इन्होंने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसके लिए इन्होंने अपॉइंट, मतलब अप्लाई किया, और फिर इनका एक सरकारी स्कूल में अपॉइंटमेंट हुआ, और वहां पे फिर ये पढ़ाने लगे। रत्नागिरी में ही दोस्तों ये स्कूल था 1904 में, बता दो 1904 आते आते इन्होंने महाभारत बहुत बार पढ़ ली थी, और यहां से इनके आइडियाज डेवलप होने लगे थे कि मुझे कुछ इसी फील्ड में करना है। इनकी सैलरी जो थी वो 60 रुपए पर मंथ थी, और बाद में इसको 65 रुपए पर मंथ दे दिया गया था। उसके बाद दोस्तों जब ये एमए कर रहे थे तो इनके पास 5 स्कॉलरशिप्स थी, यहाँ पे एक स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल होती है, इनके पास 5 स्कॉलरशिप थी, इतने ब्रिलियंट थे ये, इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे। आपको पता ही है ना कि स्कॉलरशिप एग्जाम्स निकालने पे भी मिलती है, ठीक है ना, तो इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे संस्कृत के, तो इनको सब कुछ मालूम था। उसके बाद इनको ढेर सारे प्राइजेस भी मिले थे संस्कृत में, तो इनका नाम बहुत था, ये कोई भी स्कूल में अप्लाई करते थे हर स्कूल उनको ले लेता था, वैसे भी उस समय इंटेलेक्चुअल्स की बहुत ज्यादा कमी थी। उसके बाद फिर ये रत्नागिरी गवर्नमेंट स्कूल में रहे, 3 साल वहां पर इन्होंने पढ़ाया, फिर एक हायर पोस्ट के लिए एग्जाम होता था उस समय, सेकेंडरी टीचर सर्टिफिकेट, वो इन्होंने एग्जाम दिया और इसमें भी टॉप किया, ठीक है। और जिन लोगों ने पूरे स्टेट में, पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिन जिन ने इस एग्जाम को दिया था उसमें ये टॉपर थे, ठीक है ना, तो ये चीज थी। अब जब ये एग्जाम इन्होंने टॉप किया, तुरंत इनको उस समय का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज एल्फिंस्टन कॉलेज में इनकी नौकरी लग गई, ठीक है ना, और वहां पे ये पढ़ाने लगे। संस्कृत के हेड थे ये, संस्कृत पढ़ाते थे ये, और बहुत ज्यादा इनकी इज्जत भी थी वहां पे। उसके बाद ये लॉ की तरफ चले गए, ये एज अ लॉयर भी प्रैक्टिस करने लगे दोस्तों। अब वहां पे मतलब लॉयर बनने के लिए, लॉयर बनना इतना आसान नहीं था, ठीक है, वहां पे जब इन्होंने एक बहुत ही वरिष्ठ वकील से, मिस्टर खड़े से जब उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि मुझे अब थोड़ी बहुत लॉ की भी प्रैक्टिस करनी है, बॉम्बे
हाई कोर्ट में मुझे एनरोल होना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि बेटा 2000 रुपए तुम तैयार रखो, जब 2000 रुपए होंगे तभी तुम यहाँ पे आ पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है, रजिस्ट्रेशन और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, 2000 तो चाहिए ही चाहिए। तो किसी तरीके से इन्होंने 500 रुपए लिए और 500 रुपए दे के ये एज अ वकील हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे में एनरोल हुए। हालांकि पहले 2 साल तो शुरू में तो इनका काम बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, धंधा एकदम मंदा था ऐसा बोला जाता है ना, लेकिन धीमे धीमे इनके पास केस आने लगे और ये केस को लेने लगे और ये एज एन एफिशिएंट लॉयर भी प्रैक्टिस करने लगे। तो यहां पे प्रोफेसर ऑफ लॉ भी बन गए और संस्कृत के प्रोफेसर भी बन गए, तो यह तो डुअल डिग्री हो गई। 1917 में ये लॉ भी पढ़ाने लगे लॉ कॉलेज बॉम्बे में, ठीक है, इतना ज्यादा ज्ञान था। तो आगे का जो जीवन था दोस्तों इनका फिर पढ़ने पढ़ाने में ही बीता। और उसके बाद हम बात करते हैं धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र क्या है दोस्तों? धर्मशास्त्र एक बहुत बड़ी किताब है दोस्तों, 5 वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश किया गया है। अब हम देख लेते हैं फटाक से धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र की बात करें तो भारत के इतिहास को पूरा दर्शाता है ये। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बहुत पहले से 1917 से ही इस पे काम करना शुरू कर दिया था। सोच बहुत पहले से थी कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ तो ऐसी लिखावट होनी चाहिए, सोर्स होना चाहिए जिससे हर किसी को भारत के इतिहास, भारत की जो गोल्डन हिस्ट्री है उसके बारे में पता चले। इनको सब कुछ पता था तो इन्होंने लिखना शुरू किया। इन्होंने बहुत सारी किताबें इकट्ठा की, बहुत सारे बड़े बड़े लॉयर्स आए, कुछ लोगों ने तो कुछ लोगों की पूरी लाइब्रेरी थी वो इनको दान में दे दी कि भैया लो तुम लो बुक्स ले लो और रिसर्च करो, जो तुमको करना है करो। तो दोस्तों सबसे पहला वॉल्यूम हम बुक बाय बुक देखते हैं कब पब्लिश हुआ, कितने पेज है, वैसे टोटल 6500 पेज है भैया धर्मशास्त्र में, कितने पेज हैं और ये कब कब पब्लिश हुई। तो जो पहला वॉल्यूम है दोस्तों ये 1930 में पब्लिश हुई दोस्तों, और इसमें 760 पेज है, ठीक है ना। धर्मशास्त्र की पहली बुक, पहली किताब, इसमें बेसिकली क्रोनोलॉजी है राइटर्स की, ठीक है ना, जो जो राइटर्स आए हैं उन सब की क्रोनोलॉजी और उन्होंने क्या समझाया है। सेकेंड वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो इसमें 1368 पेज है और ये 1941 में पब्लिश हुई। थर्ड वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो ये 1946 में पब्लिश हुई और इसमें 1088 पेज है। आपको बता दूं कि ये जो थर्ड वॉल्यूम है इसमें 3 टॉपिक्स को समझाया गया है बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो भैया राजधर्म, जी हाँ बड़े बड़े नेता इसके बारे में बात करते हैं लेकिन अभी बहुत कम नेता हैं जो इसके बारे में असली में समझ पाए हैं कि राजधर्म होता क्या है, ये पहली चीज। दूसरा व्यवहार यानी कि जो कस्टम्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्यों है। तीसरा जो है वो सदाचार, मतलब कस्टमरीज लॉज जो है वो क्या है, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों चौथे वॉल्यूम की बात करें तो चौथा वॉल्यूम दोस्तों 1953 में पब्लिश हुआ था और ये इसमें 1026 पेज है, ठीक है ना, 1026 पेज, सॉरी ये 1926 पेज है, तो काफी बड़ी बुक है, चौथा वॉल्यूम सबसे बड़ा है। यहां पे दोस्तों अगर बात करें तो ये बहुत सारी चीजों से डील करता है। चलिए मैं बताता हूं इसमें क्या क्या समझाया गया। सबसे पहले तो इसमें पताका समझाया गया है। पताका मतलब जो आप पाप करते हैं, अनजाने में भी पाप करते हैं, आपको पता है दोस्तों आप जो भी करते हैं सब कुछ रिकॉर्ड होता जाता है। साइंस है ये दोस्तों, बिल्कुल साइंस है, यूनिवर्स का एक मैकेनिज्म है ना, हर चीज यूनिवर्स ने, आप देख ही सकते हैं ना कि उसने कितने, उसकी क्रिएशन को कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, बहुत जो यूनिवर्स का इंटेलिजेंस है वो एकदम मतलब अनक्वेश्चनेबल है। तो हर चीज का एक पैटर्न है, ठीक है, आप कुछ भी करते हैं, जो भी आपके काम होते हैं चाहे वो अकर्म हो चाहे वो निकर्म हो, वो रिकॉर्ड होते जाते हैं। अच्छे काम है तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ठीक वैसे समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए रबड़ को खींच दे, ठीक है, तो रबड़ अपनी पोजीशन पे वापस आएगी। मतलब क्या है कि कोई ना कोई फोर्स लग रही है ना, रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, जो आप कर रहे हैं, जो भी आपने, अगर आपने बैलेंस बिगाड़ा है यूनिवर्स का तो बैलेंस तो रिस्टोर होगा ही ना। इसीलिए आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने गलत किया है तो फिर वो गलत मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, और अगर आपने ना अच्छा किया है ना बुरा किया, कहते हैं ना कि अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा तो मत ही करो, एकदम शांत रहो, न्यूट्रल रहो, तो न्यूट्रल फिर वो कर्म में चला जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे दोस्तों जो इनका चौथा वॉल्यूम है वो डील करता है पताका से, जो पाप होते हैं, डिफरेंट तरीके के जो सिंस होते हैं, पाप होते हैं। उसके बाद
दूसरा प्राश्चित से डील करता है, पाप तो कर दिया लेकिन प्राश्चित कैसे करोगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा कर्म विपाका, मतलब जो आप खराब कर्म करते हैं ना उसका आपको फल किस तरीके से मिलता है। चौथा अंत्येष्टि, जो मौत के जब कोई इंसान मर जाता है तो जो अंतिम संस्कार होता है ना उसको कहते हैं अंत्येष्टि, राइट्स ऑन दी डेथ। पांचवा अशोका, मतलब मौत के बाद जो इंप्योरिटी और पैदा होने पे बर्थ पे जो इंप्योरिटी होती है। छठा शुद्धि, किस तरीके से आप अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने दिमाग और अपने पूरे आत्मा और शरीर को शुद्ध करेंगे। और आखिरी श्रद्धा, और फिर नहीं ये सातवां है श्रद्धा, और उसके बाद आखिरी है तीर्थ यात्रा। ये सबसे जब जीवन का आखिरी पड़ाव आता है दोस्तों तो हम तीर्थ करते हैं, हम भगवान की शरण में चले जाते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि कबीर दास जी ने बोला था, और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझें, और हर जगह ये लिखा भी गया है कि हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हमारे पर मुसीबत आती है, तब तक कोई याद नहीं करता। जब इंसान खुश है तो बिल्कुल भी नहीं याद करेगा। खुशी में अगर आप भगवान को याद करेंगे, अगर आप दिन में 3 से 4 बार भी भगवान का नाम जप लेंगे, भगवान यहाँ पे आप ये मत समझिए कि कोई पर्टिकुलर धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे धर्मों के लिए है, ठीक है ना। आप ध्यान लगाइए, अल्टीमेट एम आपका क्या है, आपको उस एनर्जी से मिल जाना है, उससे अलाइन हो जाना है। तो अगर आपने उस भगवान को याद कर लिया 3 से 4 बार भी, तो आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, और सच्चे मन से याद करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें धर्मशास्त्र में ही लिखी है, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा है जो आखिरी पड़ाव होता है, कि जो रिलीजियस पिलग्रिमेज होता है ना, ठीक है, आखिरी में हर कोई तीर्थ करता है। बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं भारत में, जितने भी मंदिर बने हुए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, सब जाता है, ठीक है। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो लोग तीर्थ करते हैं। तो ये चौथे वॉल्यूम में था। पांचवे वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, पांचवा वॉल्यूम दो पार्ट में पब्लिश हुआ था। सबसे पहला तो 1958 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, जिसमें 718 पेज हैं। अच्छा, इसमें व्रत के बारे में बताया गया है, मतलब जो प्रतिज्ञा होती है, सेक्रेट वर्च्यूज होते हैं, इन सब के बारे में, जो फेस्टिवल, जो त्योहार होते हैं, ठीक है। और इसी दौरान 1958 में इनको हार्ट अटैक आया था, इसी वजह से दूसरा पार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसमें काला एक सेपरेट पब्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है फिफ्थ वॉल्यूम का, वो 1962 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। ये पुराणों से डील करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, और सब कुछ इसमें समझाया गया है। पुराणों से डील करता है, धर्मशास्त्र से डील करता है, बुद्धिज्म जो इंडिया से डिसअपियर हुआ उससे डील करता है, तंत्र विद्या से, संख्य योगा से, कॉस्मोलॉजी से, कर्म से, और पुनर्जन्म से डील करता है धर्म, ये जो फिफ्थ वॉल्यूम का पार्ट टू है। तो ये पूरा लेक्चर था, तो आप समझ ही सकते हैं 6500 पेजेस कुल मिला के हैं भैया। बहुत मुश्किल है पढ़ना, लेकिन एक बार जिसने भी पढ़ लिया, ज्ञान का भंडार उसको मिल जाएगा, इसलिए इनको भारत रत्न मिला है, इन्होंने तो इतिहास ही बदल दिया था। तो ये लेक्चर था पीवी काने पे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए दोस्तों। मैंने इनकी बहुत ही छोटी सी बायोग्राफी पढ़ी है 40 पेज की, ठीक है, वो नेट पे भी इजीली अवेलेबल है, ठीक है। मैंने एक वेबसाइट पे वो पढ़ी थी, वहां पे पब्लिश हुई थी, वेबसाइट का मैं नाम आपको बता दूंगा, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।